एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ संगीता और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सॉरी गाइस, मुझे इंट्रो वॉइस ओवर के साथ स्टार्ट करना पड़ रहा है। एक्चुअली मॉर्निंग में हमें निकलना था जल्दी, सो उस टाइम सिर्फ निकलने की भाग दौड़ होती है, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं, मतलब रह जाती हैं, याद करना पड़ता है, कुछ रह ना जाए। तो बस उस जल्दी में मैं आपके साथ इंट्रो शेयर नहीं कर पाई। सो या एनीवेज गाइस, आज हम जा रहे हैं राजस्थान। बेसिकली वी आर गोइंग टू खाटू श्याम एंड देन वहाँ से हम जाएंगे सालासर बालाजी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस राजस्थान व्लॉग, कैन कीप ऑन वॉचिंग। सो गाइस, रास्ते में ये पड़ता है पंचगांव करके एक रेस्टोरेंट था, तो यहाँ से हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था एंड मैंने लिया था यहाँ पे गोभी का पराठा, विच वॉज क्वाइट गुड। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक की थी, मैं यहाँ पे पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था अंदर से, बट अगर सर्विस की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा फास्ट सर्विस नहीं थी। एनीवे, उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे राजस्थान, तो हम यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं राजस्थान में। एंड अभी हो चुकी है शाम, हो चुकी थी एंड हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं थे बहुत वेट के बाद, एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँचे। बस यहाँ पे हमने एंट्री की एंड ये है एंट्रेंस गेट खाटू श्याम का। तो यहाँ पर कुछ श्रद्धालु थे जो ऐसे माथा टेक कर यहाँ से एंट्री करते हैं, जो पैदल यात्रा यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी। मैं डायरेक्ट अपनी कार ली थी अपने धर्मशाला की ओर, तो यहाँ पर सीधा सीधा रोड ही हम लोग निकल गए थे। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए अपनी धर्मशाला। एंड गाइस, ये धर्मशाला कम होटल ज़्यादा लगता है, आई मीन इसका जो ओवरव्यू आप देखोगे ना बहुत ही सुंदर है, मतलब धर्मशाला के नाम से ना माइंड में आता है एक थोड़ा सात्विक काइंड ऑफ फूड होगा वहाँ पर। एंड मतलब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट एक अलग सी विजुलाइजेशन होती है। बट यहाँ पहुँच कर हमें इतना अच्छा लगा था, बजट फ्रेंडली था, आई मीन 1500 में आप टू कपल्स आप एक रूम में रह सकते हो। अगर आप चाहते हो सिंगल रूम, तो सिंगल रूम के लिए आपको देना होता है 1000 रुपीज़ पर रूम। मैं वो कन्फर्म कर दूँगी एंड स्क्रीन पर उसका प्राइस मैं डाल दूँगी। अगर आप यहाँ जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, 2 तारीख धर्मशाला के नाम से ये फेमस है खाटू श्याम में। तो बस यहाँ से एंट्रेंस है एंड सामने जो आप देख रहे हो वहाँ पर होता है डिनर एंड लंच, बेसिकली वो कैफेटेरिया आप कह सकते हो। तो यहाँ पर डिनर अभी लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर सिस्टम बहुत अच्छा है गाइस, कि वो जो सामने आप देख रहे हो काउंटर पे, यहाँ से आपको टोकन लेना होता है एंड स्लॉट वाइज यहाँ पर ये लोग सर्व करते हैं आपको। तो ये वाला स्लॉट जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे चेयर लेनी है अपनी अपनी एंड बैठ कर, जब ये लोग सर्व करेंगे उस टाइम पर आपको उनको टोकन देना है अपना एंड उस अकॉर्डिंगली आपको ये सर्व करते हैं। तो बस यहाँ से हम लोग निकल गए थे, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए एरिए को लाई थी यहाँ पर। बस उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद लेफ्ट साइड में सीधा जाकर लेफ्ट साइड से हम लोगों की एंट्री थी रूम्स की एंड ये है हमारा रूम। तो बेसिकली है ऊपर अपर फोर्थ फ्लोर एंड ये हमारा रूम। मैं आपको रूम का टूर भी दे देती हूँ, बहुत शॉर्ट एंड क्विक टूर है। तो ये एंट्रेंस है एंड एंट्रेंस पे काफ़ी बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, बैठने के लिए सोफ़ा है एंड 2 बेड्स थे। काफ़ी नीट एंड क्लीन, काफ़ी हाइजीनिक सा रूम था। बस यहाँ पर टॉवल आपको अपने साथ कैरी करना होता है, क्योंकि गाइस कोरोना भी है एंड ये धर्मशाला है तो वी कैन एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम देयर। उसके बाद हम लोग निकल गए थे दर्शन के लिए एंड ये है खाटू श्याम, जहाँ हम लोग दर्शन के लिए पहुँच गए थे। तो यहाँ से हमने एंट्री की थी। एंड बस हम लोग अंदर, हमने एंट्री की थी, वो सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पर खाटू श्याम बाबा जी बैठते हैं, मतलब उनका यहाँ पर स्थान है। एंड ये है अंदर का कुछ ओवर व्यू, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी यहाँ पर, बट सभी ने मास्क वेयर किया हुआ था तो ठीक है, अपने अपनी तरफ से सभी ने अपने जो भी प्रोटोकॉल्स थे वो फॉलो किए थे एंड ये हूँ मैं।
तो बस हम लोगों ने यहाँ पे हमारे आई थिंक 15 to 20 minutes में हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। एंड बहुत अच्छे दर्शन तो नहीं हुए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बट हाँ ठीक है, मतलब हमने अच्छे से दर्शन कर लिए थे क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी ना, तो बहुत जल्दी जल्दी वो लोग पुश करते हैं आपको बाहर की साइड ताकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। इसलिए हम लोगों ने बस यहाँ से एंट्री की अंदर, और यहाँ हमने मत्था टेका था। आप भी यहाँ पर आशीर्वाद ले सकते हो, बाबा जी का मत्था टेक सकते हो। और ये है आउटसाइड एरिया जहाँ पर, ये जहाँ से आप लोग मिठाई वगैरह ले सकते हो, प्रसाद ले सकते हो। और वो जो आप सामने देख रहे हैं वो है एग्जिट गेट जहाँ से हम लोगों ने दर्शन करके एग्जिट किया था। तो ये बाहर का मार्केट एरिया है सारा। एंड बस उसके बाद हम लोगों ने फैमिली पिक्चर ली थी। तो मॉर्निंग में बस मैंने कुछ यहाँ पे अपने फोटोज़ क्लिक किए थे एंड हम लोग निकल गए हैं अभी सालासर बालाजी के लिए। हेलो गाइस, यहाँ पर हम लोग निकल गए हैं बस सालासर बालाजी के लिए। और ये हैं हमारे फैमिली के लाडले हयान सेठी। तो बस ये मस्ती करता हुआ जा रहा था मेरे साथ एंड यहाँ पर मैं इसको कह रही थी हेलो गाइस बोलो। इसकी मस्ती चालू है एक्चुअली, इसको देखना था ब्लैक शिप करके एक वीडियो है, वो ये देखता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लुक एट हिज फेस, क्यूट क्यूटी बट। बस अब हम लोग हैं सालासर बालाजी के वे पर, थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं। तब तक बस ऐसे ही हम लोगों ने जो भी रास्ता था इस चुटकू के साथ एंजॉय किया। ये आदित्य से बात कर रहा था एक्चुअली, बच्चे को नींद भी आ गई। तो बस हम लोग पहुंचने वाले हैं, लगभग हम लोग आ ही गए हैं ऑलमोस्ट, आई गेस 5-10 kilometers और रास्ता रहता है अभी। तो बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं एंड मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ से, वहाँ पहुँच कर। एंड नाउ वी आर एंट्रिंग इन टू सालासर बालाजी एरिया। बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी को पार्क किया था थोड़ी आगे जाकर, एंड पार्किंग से 100 meters आई गेस, हाँ 100 meters ही वहाँ से डिस्टेंस था मंदिर का जहाँ पर हमें जाना था। तो यहाँ से हम लोगों का मेन एंट्री था, और सामने आप जो देख रहे हो वहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। बेसिकली मेन एंट्री है वहाँ से सालासर बालाजी की, उसके बैक साइड से। ये मतलब वो पूरा एरिया है जहाँ पर जो मंदिर के आसपास का पूरा एरिया है, मंदिर का जो मार्केट है मेन मार्केट, वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। बस हमने दर्शन कर लिए थे, मैं अंदर की क्लिप्स यहाँ पर ले नहीं पाई थी एंड यहाँ मैंने अपनी नोज़ पियर्सिंग कराई थी। वो मैंने इसलिए कराई, एक्चुअली मैंने एक तो करवाई भी नहीं हुई थी और मुझे एक मेमोरी के यू नो तौर पर यहाँ से कुछ लेकर जाना था, तो मैंने ये चीज़ करवाई थी बिकॉज़ ये तो लाइफ टाइम मेरे साथ रहने वाली है। तो बस इसलिए मैंने और जो मेरी सिस्टर इन लॉ थी, हम दोनों ने ही यहाँ पर नोज़ पियर्सिंग कराई थी।
बहुत खुश हो गई थी मैं, क्योंकि मुझे करवा चौथ के आसपास करवाना भी था। तो बस हम लोग अभी आ गए हैं पार्किंग में एंड अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से घर के लिए। तो ये हैं मिस्टर हयांश सेठी बैग एंड इन्होंने बहुत ही रफ्तार से, मतलब 120 की स्पीड से इन्होंने गाड़ी चलाई और हमें फटाफट से हमारे घर पहुँचा दिया था। बहुत खुश हो जाता है स्टेयरिंग पे। गाइस मैं बता देती हूँ, एक्चुअली गाड़ी को हमने क्रॉलिंग मोड पे किया हुआ था। अगर आपको, मतलब आपको ये ना लगे कि हमने हाईवे पे बच्चे के हाथ में ऐसे स्टेयरिंग दिया हुआ है, तो हमने बस क्रॉलिंग मोड पे किया हुआ था, जिससे स्टेयरिंग को ये कितना भी मूव करेगा उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस ये खुश हो गया था थोड़ी देर के लिए, हमने इसको स्टेयरिंग पे खड़ा कर दिया था। ही वॉज इन्जॉइंग इट्सेल्फ। इधर उधर मस्ती चालू है इसकी, हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं। ये देखो, ये देखो। एक्चुअली हम लोग वेट कर रहे थे जिस गाड़ी में पापा और भैया थे एंड सिस्टर इन लॉ की फैमिली थी, तो वो गाड़ी थोड़ा सा पीछे रह गई थी, इसलिए हम लोग क्रॉलिंग मोड में यहाँ पर अपनी गाड़ी को चला रहे थे। तो बस अब हम लोगों ने यहाँ से फाइनल वाला एग्ज़िट किया था, जहाँ से मेन एंट्रेंस होती है सालासर बालाजी मंदिर के लिए। रास्ते में हम लोगों ने थोड़ा बहुत ऐसे ही लंच किया। सो गाइस ये था मेरा राजस्थान ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो बेल आइकन, सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।